नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्म ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम कुछ भी गलत खा लेते हैं या फिर हम ऑयली चीज़ खा लेते हैं तब हमारे पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर गैस की प्रॉब्लम के कारण हमारे पेट में पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है या हार्टबर्न होने लगता है। तब हम इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब हम इस प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में किस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इंजेक्शन है रेनिटिडीन इंजेक्शन। तो बात करें रेनिटिडीन इंजेक्शन के बारे में, तो रेनिटिडीन इंजेक्शन एक S2 ब्लॉकर कैटेगरी का इंजेक्शन है और यह हमारे पेट में होने वाले एसिड की मात्रा को कम करके काम करता है। और देखें कि इसको और भी किस किस बीमारी में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसको गैस की प्रॉब्लम होने पर इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही पेप्टिक अल्सर, GERD की प्रॉब्लम या फिर हार्ट बर्न की कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सब समस्याओं में रेनिटिडीन इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात करें कि इस इंजेक्शन को दिया कैसे जाता है, तो इस इंजेक्शन को IV यानी कि इंट्रावीनस या फिर IM यानी इंट्रामस्कुलर रूट दोनों से ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में रेनिटिडीन इंजेक्शन के बारे में बस इतना ही। और इसी तरह हॉस्पिटल में और कौन कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।